इसराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को गाजा में मार गिराया है। पहले इस्माइल हानिया, फिर हसन नसरल्ला और अब याहिया सिनवार। एक एक कर इसराइल ने अपने तीनों बड़े दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि हमास के कब्जे से जल्द बंधकों को रिहा कराया जा सकता है। इसराइली प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू ने हमास के लड़ाकों को एक ऑफर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हमास इसराइली बंधकों को रिहा करता है तो वो युद्ध रोक देंगे। हालांकि ऐसा नहीं करने पर नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि उनका हाल सिनवार से भी बुरा होगा। वहीं इसराइली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने भी साफ कर दिया है कि जब तक हमास के कब्जे से सारे बंधकों को नहीं छुड़ा लेते तब तक उनकी सेना नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा है कि सिनवार के मारे जाने से उनका काम खत्म नहीं हुआ है। जब तक वो सभी बंधकों को घर वापस नहीं ले आते तब तक गाजा में ऑपरेशन जारी रहेगा। सिनवार की मौत के बाद तमाम वर्ल्ड लीडर्स ने भी हमास से बंधकों को रिहा करने की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सिनवार के मारे जाने पर कहा कि ये दुनिया के लिए एक अच्छा दिन है। उन्होंने कहा कि गाजा में सीज फायर और बंधकों की रिहाई के बीच मुख्य बाधा को दूर कर लिया गया है। बाइडेन ने कहा कि अब गाजा में हमास के सत्ता से बाहर होने और एक राजनीतिक समझौते का मौका है जो इसराइलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए बेहतर भविष्य देगा। अमेरिका की उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट कैंडिडेट कमला हैरिस ने कहा कि ये गाजा में युद्ध खत्म करने का मौका है। उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई इसराइल की सुरक्षा और गाजा के लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए इस युद्ध को खत्म किया जाना चाहिए। वहीं जर्मनी की विदेश मंत्री ने सिनवार को क्रूर हत्यारा और आतंकी करार देते हुए हमास से तुरंत बंधकों को रिहा करने और हथियार डालने को कहा है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी सिनवार की मौत पर बयान दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को हुए बर्बर आतंकी हमले के लिए सिनवार ही जिम्मेदार था। उन्होंने हमास से सभी बंधकों को रिहा करने की मांग की है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इसराइल पर हमला किया था। हमास के लड़ाके पैराशूट और बाइक से इसराइली सीमा में घुस आए और ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमास के इस हमले में इसराइल के करीब 1200 लोग मारे गए थे। हमास के लड़ाकों ने 251 इसराइली और विदेश नागरिकों को बंधक बना लिया था। इसराइल ने याहिया सिनवार को भी इस हमले का मास्टरमाइंड बताया था। वहीं 8 अक्टूबर 2023 से ही इसराइल गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। लेकिन गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 42,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वहीं हमास के कब्जे में अब भी करीब 101 बंधक मौजूद हैं। इनमें से 34 बंधक मारे जा चुके हैं। वहीं बीते कुछ दिनों में बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम डील को लेकर इसराइल पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। वहीं नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि वो हमास का पूरी तरह खात्मा करके ही रुकेंगे। अब जबकि 3 महीने के अंदर इसराइल ने अपने 3 बड़े दुश्मनों को मार गिराया है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बंधकों की रिहाई के साथ गाजा में युद्ध विराम हो सकता है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।